हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आज इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फाइव टू एट को डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव से क्वेश्चन नंबर फाइव ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय टू होल वन बाय थ्री टाइम्स इट्स एंड देन सिक्सटी इज सब्सट्रेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑपटेंड if the final result is 9200 then the number is तो देखिए समझ लेते हैं इन नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय टू होल वन बाय थ्री टाइम्स ऑफ इट्सल्फ एक नंबर है सो हम लोग अभी क्या लेंगे लेट द नंबर भी एक्स जो बोला गया है ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय टू होल वन बाय थ्री टाइम्स ऑफ इट्स तो वो नंबर कौन सा है वो तो हमें पता नहीं है इसीलिए Let the number x. x x ले लिए। उसके बाद क्या बोला है 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 ये जो किसके साथ multiply किया गया है? Two whole, one by three times. Times का मतलब है और एक बार multiply itself. Itself का मतलब कौन है वो x है देखिए और एक बार देख लीजिए ए नंबर इज वो नंबर को हम लोगों ने x लिया मल्टीप्लाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई का साइन बाई टू होल वन बाय थ्री टाइम्स टू होल वन बाय थ्री टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई है इट्सल्प इट्सल्प का मतलब है एक्स देन सिक्सटी वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑप्टेंड यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा उससे हम लोग सिक्सटी वन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज़ नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड समझ में आया यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह से हम लोगों ने किया तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इससे पहले इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो टू इंटू थ्री सिक्स प्लस वन सेवन बाय थ्री माइनस सिक्सटी वन इज इक्वल्स टू नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही इजी है फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर तो आ गया सेवन एक्स स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर बाय थ्री सेवन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस सिक्सटी वन इज इक्वल्स टू नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे सेवन एक्स स्क्वायर बाय थ्री ये जो माइनस सिक्सटी वन है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा प्लस सिक्सटी वन दैट इज इज इक्वल्स टू नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस सिक्सटी वन ये माइनस वाला इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके बन गया प्लस सिक्सटी वन उसके बाद ये जो थ्री नीचे डिवाइड हो के है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसे मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने लिख लिया और ये जो सेवन है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा अभी इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे सेवन से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा सेवन वन जा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन सेवन टू जा फोटीन थ्री जा ट्वेंटी वन तो आ गया वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी नाइन स्क्वायर को अगर हम लोग इक्वल टू के दूसरी तरफ लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा तो रूट ओवर मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप लोग कर सकते हैं वरना आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लिया है तो देख लीजिए कितना आ रहा है तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा थ्री एक पेयर है सेवन एक पेयर है थ्री और एक बार एक पेयर है तो सेवन थ्री इज आर ट्वेंटी वन इंटू तो ये आ गया सिक्सटी थ्री का स्क्वायर सिक्सटी थ्री का स्क्वायर तो आंसर आ गया x का वैल्यू सिक्सटी थ्री सेवन थ्री इज आर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन इंटू थ्री दैट इज सिक्सटी थ्री तो सिक्सटी थ्री का स्क्वायर आया तो ये आ गया सिक्सटी थ्री आंसर अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज वन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइंटी सिक्स इफ़ वन नंबर इज सिक्सटीन टाइम्स द अदर देन फाइंड द अदर नंबर देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट आंसर करते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आया है वन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी सिक्स हो गया लिख लिया हम लोगों ने इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ एक जो नंबर है इज सिक्सटीन टाइम्स द अदर अगर आपके पास वन रुपी है तो मेरे पास सिक्सटीन टाइम्स ज़्यादा है दैट इज़ वन इंटू सिक्सटीन तो लेट वन ऑफ द नंबर बी वाई अगर एक नंबर को हम लोग वाई लेंगे देन द अदर नंबर इज सिक्सटीन टाइम्स ऑफ वाई मतलब अदर नंबर क्या हो जाएगा सिक्सटीन टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई वाई सिक्सटीन इंटू वाई समझ में आया इफ वन नंबर इज वाई देन द अदर इज सिक्सटीन टाइम्स वाई अभी फाइंड द नंबर नंबर को निकालना है तो वाई इंटू सिक्सटीन वाई सिक्सटीन इंटू वाई आ गया सिक्सटीन वाई दैट इज़ इज इक्वल्स टू वन टू नाइन सिक्स सिक्सटीन इंटू वाई सिक्सटीन वाई और वाई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सिक्सटीन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन टू नाइन सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन टू नाइन सिक्स बाय सिक्सटीन क्योंकि देखिए ये जो सिक्सटीन था वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके था इक्वल टू के दूसरे तरफ डिवाइड हो गया अभी इसे डिवाइड करके कट कर लेंगे डिवाइड बाय टू पहले करते हैं तो आ गया सिक्स फोर एट बाय एट टू एट या सिक्सटीन अभी फिर से टू से डिवाइड करेंगे तो आ गया थ्री टू फोर डिवाइडेड बाय फोर अभी फिर से डिवाइड करेंगे हम टू से ही तो आ जाएगा तो आ गया वन सिक्सटी टू डिवाइड बाय टू हम फिर से टू से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एट्टी वन टू वन सा एट्टी वन बाय वन दैट इज इक्वल्स टू एट्टी वन समझ में आया तो वाई का वैल्यू आ गया एट्टी वन तो दूसरा नंबर हम लोगों ने क्या लिया था नहीं सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एटी वन ये जो स्क्वायर है इक्वल टू के दूसरे तरफ आके क्या हो जाएगा रूट ओवर तो वाई इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एटी वन स्क्वायर रूट जो होता है ये दूसरी तरफ आके रूट ओवर हो जाता है तो 81 वन का रूट ओवर ये नाइन इंटू नाइन मतलब आंसर आ गया नाइन वाई का वैल्यू आ गया नाइन तो हम लोगों ने एक नंबर को वाई और दूसरे नंबर को लिया था सिक्सटीन वाई तो सिक्सटीन इंटू नाइन आ जाएगा कितना आ जाएगा वन फोर समझ में आया तो ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विथ विच सिक्स सिक्स वन पॉइंट टू फाइव शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर तो वो नंबर क्या होगा जिसको कि हम सिक्स सिक्सटी वन पॉइंट टू फाइव के साथ मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं सिक्स सिक्सटी वन पॉइंट टू फाइव इस पॉइंट टू फाइव को हम लोग इसे दो तरीके से कर सकते हैं सिक्स सिक्सटी वन टू फाइव बाय हंड्रेड कर लेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और दोनों का दोनों का हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे अभी देखिए हंड्रेड का तो फैक्टराइज करेंगे तो टेन इंटू टेन ये एक परफेक्ट स्क्वायर है हमें पता है तो सिक्स सिक्स वन टू फाइव का अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले फाइव से इसे करेंगे तो आएगा वन वन थ्री टू टू फाइव वन थ्री टू टू फाइव अभी फिर से हम लोग इसे फाइव से ही कट आउट करेंगे तो आएगा टू सिक्स फोर फाइव फिर से फाइव से तो फाइव टू नाइन अभी करेंगे ट्वेंटी थ्री से तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ज़ा फाइव टू नाइन और तो ट्वेंटी थ्री वन ज़ा अभी ये जो प्राइम फैक्टराइज़ हम लोगों ने किया है इसे सीरियली लिख लेंगे तो आया तीन पाँच और दो ट्वेंटी थ्री तो देखिए फाइव एक पेयर है एक ही एक्स्ट्रा फाइव है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें और एक फाइव चाहिए अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें चाहिए और एक फाइव एक फाइव अनपेयर बच जा रहा है तो फाइव मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू सिक्स सिक्स वन पॉइंट टू फाइव सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए तो इस तरह से आप लोग भी इन नंबर्स को कर लीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर